हाँ ये कौन से श्लोक संख्या कौन बताएगा? हाँ जी माइक। क्या श्लोक संख्या क्या है? आठवां श्लोक हरि बोल। अच्छा, और प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था कौन सी तारीख को, कौन बताएगा? कौन सी तारीख को प्रवचन दिया था? है हाँ जी इनको भी, इनको माइक भी फिर से जोर से बोलो। हाँ 8 नवंबर 1974 हरि बोल। कहाँ पर प्रवचन दिया था? हाँ जी बम्बई में दिया था। अच्छा तो ये जो श्लोक है ये कौन कह रहे हैं, कौन बताएगा? हाँ जी इनको माइक दीजिए। हैं कपिल मुनि कह रहे हैं, और कोई कौन कह रहा है? हाँ इनको माइक, उनको माइक दीजिए। कौन कह रहे हैं? देवहूति माता कह रहे हैं, ठीक है। हाँ हरि बोल। अच्छा किससे कह रहे हैं, कौन बताएगा? किससे कह रहे हैं देवहूति माता? देवहूति माता किसने, आपने तो बोल दिया, और कोई जिसने नहीं बोला है? हाँ जी हाँ इनको दीजिए। कपिल देव से बोल रहे हैं। हाँ कपिल देव से कह रहे हैं, तो माता देवहूति कपिल देव से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तस् तुम तब तम सौंधस्य, तस् तुम तम सौंधस्य दुष्पाणस्य पारगम सचक्षुर जन्मनामंते लब्धाम मे तद अनुग्रहात्। तो देवहूति माता अपना परिचय दे रही हैं, देवहूति माता अपना परिचय दे रही हैं। हाँ क्या परिचय दे रही हैं? कि मेरे पास आँखें नहीं हैं, मेरे पास आँखें नहीं हैं, हैं या आँखें हैं तो अंधकार में वो आँखें काम नहीं कर रही। तम सौंधस्य है, तो ये अंधकार इतना ज़्यादा है कि आँखें काम नहीं करती मेरी, है ना। तस् तुम तम सौंधस्य दुष्पारस्य पारगम, तो ये जो अंधकार है ये दुष्पार है। दुष्पार का मतलब है कि हम पार नहीं कर सकते, अंधकार को पार नहीं कर सकते। तो कभी आपको अनुभव हुआ होगा अंधकार में, तो अंधकार में जब आप होते हैं तो फिर कोई दिशा नहीं पता चलती है, कौन सी दिशा में आप जाएं, किस दिशा में आपको प्रकाश मिलेगा, कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है। तो सबको अनुभव है ना, सबको अनुभव है अंधकार में। अगर कई बार आप ऐसे पड़ जाते हैं कि आपको कुछ रास्ता नहीं पता चलता है और कुछ ना कुछ दिशा पता चलती है, तो देवहूति माता जो है अपनी स्थिति बता रही हैं कि मैं कैसी स्थिति में हूँ, ऐसे अंधकार में हाँ फंसी हूँ जो दुष्पार है। दुष्पार मतलब पार करना कठिन है, दुष्पार उससे पारगम, और मैंने प्राप्त किया है आपको जो पारगम, जिनके द्वारा मैं पार कर सकती हूँ। तो आप जो है मुझे मिल गए हैं, है? कैसे मिल गए हैं? हाँ जो अंधकार से पार कराएं, है ना। सचक्षुर जन्मनामंते, सचक्षु का मतलब है सही नेत्र, सत का मतलब सही, असत का मतलब गलत, है ना। तो जो हमारे नेत्र हैं वो सही नेत्र नहीं है, अंधकार में हम जो है कुछ नहीं देख पाते, है ना। तो ये माया जगत का जो है, जो पूरा जो जगत है, तो आपको तो लगता है कि नहीं प्रकाश तो दिखाई दे रहा है, प्रकाश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में जीवन की दिशा हमारी क्या होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है, वास्तव में हम नहीं जानते। तो वास्तव में हम अंधकार में हैं, हालांकि एक प्रकार से तो हम प्रकाश में हैं, हम अपने को दे रहे हैं, आपको देख रहे हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है तो इसका हम कैसे उपयोग करें, सही उपयोग करें और उसका दुरुपयोग ना करें, है? हम कैसे चलें कि जहाँ सही रास्ता भी मिल जाए, अपने घर का रास्ता भी मिल जाए और जो है कहीं गिरे कोई गड्ढा भी ना, गड्ढा भी रास्ते में ना पड़े।
तो हमको ऐसा रास्ता चाहिए, एक तो दिशा चाहिए, सही दिशा चाहिए, किस दिशा में हम जाएं कि हम घर पहुँचें। और घर हमारा कौन सा है? भगवान का धाम है ना, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड है। तो हमारा जो घर है वो तो हमें वो मिले, तो एक दिशा चाहिए, और दिशा के साथ साथ कुछ इस तरह से रास्ता हमें बनाना होगा, उसी दिशा में रास्ता भी बनाना होगा, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, कैसा भी हो, कि गड्ढे में ना गिरे, गड्ढे ना हो। तो वास्तव में हम लोग अंधेरे हैं, अंधेरे में हैं, कि मनुष्य के जीवन में हम जानते नहीं हैं, और कुछ भी उल्टा सीधा काम कर बैठेंगे तो कहाँ गिरेंगे, गिरगिट की उन्हीं में गिर सकते हैं। जैसे राजा निग्र हैं, वो गिरगिट की उन्हीं में गिर गए, तो गड्ढा ही तो है, वो कुछ गलती हो गई उनसे कर्म में, कुछ गलती हो गई और गिर गए, तो गिरगिट की उन्हीं में गिर गए, और वो गड्ढे में गिरगिट बन करके कई युगों तक पड़े रहे। तो इस तरह से हमसे गलती हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अंधकार का ये जो स्थान है, हमें मनुष्य का जीवन जरूर मिला है, लेकिन हम सही दिशा नहीं जानते, और सही दिशा के साथ साथ वो भी नहीं जानते कि रास्ता कैसे बनाएं सही दिशा में भी, कि गड्ढा ना मिले, है ना। तो ये जो मनुष्य का जीवन है, तो इसमें हमको मतलब प्रकाश चाहिए। तो कह रही हैं माता देवहूति, सचक्षुर जन्मनाम अंते लब्धाम। तो कई जन्मों के अंत में आप मुझको जो है सही नेत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, आप मेरे सही नेत्र हैं। नेत्र का मतलब जैसे नेता, हम लोग जो है सामान्य भाषा में नेता बोलते हैं ना, तो नेता वास्तव में होता क्या है? सही है, नेता का मतलब है जो नेत्र हो, संस्कृत का शब्द है नेत्र। तो जो नेता है वो हमें रास्ता दिखाता है, तो वो हमारा नेत्र होता है। तो आप जो है हमको सच चक्षु, हमें सही नेत्र आप प्राप्त हुए हैं, जन्म नाम अंते हैं, तो कई जन्मों के अंत में प्राप्त हुए हैं। लब्धम में तो दनुग्रहात, और ये जो सही नेत्र आप मुझे प्राप्त हुए हैं वो भी कैसे प्राप्त हुए? आपकी ही कृपा से प्राप्त हुए हैं, आप अपनी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। तो दनुग्रहात है ना, तो प्रभुपाद जो है इतना बहुत लंबा प्रवचन देते हैं और सनातन गोस्वामी की चर्चा करते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने जो है वास्तव में अपने को इसी प्रकार माना है। तो प्रभुपाद जो है सनातन गोस्वामी की काफ़ी लंबी चर्चा करते हैं। सनातन गोस्वामी जो है बिल्कुल माता देवहूति की तरह है, जैसे माता देवहूति ने कपिल भगवान की शरण ली कि मुझे आप रास्ता दिखलाइए, मैं बिल्कुल अंधकार में हूँ, मैं बिल्कुल अंधकार में हूँ, आप मुझे रास्ता दिखलाइए। उसी बार सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं कि मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता हूँ, और जो है मेरे चारों तरफ के लोग भी मुझे बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, कि मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा हित किस में है और अहित किस में है, मतलब मैं कहाँ चलूँ, किस तरह से चलूँ कि गड्ढे में ना गिरूँ, यहाँ इधर से ना चलूँ और इधर से चलूँ, मुझे पता ही नहीं। ऐसा पंडित, मैं ऐसा पंडित हूँ। तो सनातन गोस्वामी जो है अपनी निंदा करते हैं, देवहूति माता अपनी निंदा करती हैं, है ना। तो इसे कहते हैं शरण, माँ में कम शरणम रज, माँ में कम। जैसे अंधा व्यक्ति जो है एक आँख वाले का सहारा लेता है चलने में, उसी प्रकार से हमको जो है कृष्ण की शरण लेनी है, या जो है प्रभुपाद की शरण लेनी है, बिल्कुल अंधे की तरह, है ना। तो ये विधि जो है मतलब यही है विधि, यही है विधि, है ना। विधि ये नहीं है कि मैं तो जानता हूँ सब कुछ, है ठीक है, फिर भी मैंने आपको गुरु बना लिया, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे जानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको अपना गुरु बना लिया मैंने। क्यों बना लिया? गुरु बनाना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि फैशन, लोग फैशन मानते हैं भाई गुरु बनाने का फैशन, जैसे कोई कुत्ता अपने पास रखता है ना, तो इस तरह से गुरु बना लिया हमने, है ना, लेकिन कुछ सीखना नहीं, जानना ही। तो आपको जो है गुरु बनाना है, तो किस प्रकार से बनाना है कि बिल्कुल अंधकार, आप जो है बिल्कुल अंधकार में हैं और आपको कुछ भी नया दिखाई पड़े तो कैसा लगेगा आपको?
भाई मुझे कोई मिले जो कि टॉर्च लाइट दिखाए, रास्ता दिखलाए, तो सही दिशा भी दिखलाए और फिर उसमें भी रास्ता सही रास्ता भी हो, है ना, कि क्या करना क्या नहीं करना है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो है सनातन गोस्वामी का काफ़ी विस्तृत जो है वर्णन करते हैं। और इसके बाद फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है ना, तो भौतिक प्रकृति है ये कृष्ण की दासी मम माया, मम माया, तो ये माया है, मेरी माया है ना। तो कृष्ण जो 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 माया है कृष्ण की, या माया का अंधकार, माया ने जो अंधकार पैदा किया है, हैं, तो कृष्ण की ही माया है। उसने अंधकार क्यों पैदा किया हुआ है, हैं, क्योंकि हमने कृष्ण की शरण नहीं ली तो हम अंधकार में आ गए। माया जो है हमारे लिए अंधकार इसीलिए पैदा करती है कि हम कृष्ण को भूल गए। कृष्ण भूलिया जय क्या है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, है निकटस्था माया आता है झपटिया धरे। तो माया झपट करके हमें जो है बंदी बना लेती है, अरेस्ट कर लेती है। तो माया जो अरेस्ट करती है वो ऐसे कोई बंधन नहीं दिखाई पड़ता है ना, लेकिन आप अरेस्ट हो गए, आप इतने अंधकार में आप जो है पड़े हुए हैं, तो आप क्या हैं, अरेस्ट अरेस्ट हैं। उसी अंधकार में आप जो है कहीं चलते हैं तो इस गड्ढे में गिरते हैं, कहीं चलते उस गड्ढे में गिरते हैं, तो आप जो है 84 लाख योनियों के गड्ढे में आप गिरते हैं, कभी नरक के गड्ढे में गिरते हैं, कितनी कितनी जो है यातनाएं भोगते हैं, और सब अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण। कोई नहीं जानता कि मैं नरक में जाऊंगा, मैं ये काम कर रहा हूँ नरक में जाऊंगा, कोई नहीं जानता, और नरक में जाता है ना। और 84 लाख योनियों के कई बार जो है 100-100 बार उसको सांप की ही योनि मिलती है, या 1000 बार सर्प की योनि, 10000 बार ऊँट की योनि प्राप्त होती है, 60000 जन्म तक मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, गड्ढे ही तो हैं, गड्ढे में गिर गए, मल के कीड़े बन गए, उधर इधर गड्ढा, उधर गड्ढा, ये सब जो है गड्ढा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद देख रहे हैं कि मदर दुर्गा इतनी शक्तिशाली है, है तो वो जो है कृष्ण की ही जो है शक्ति है। और कृष्ण क्या कहते हैं, मामे भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंते, अगर जो मेरी शरण में आते हैं तो माया से वो छोड़ जाते हैं ना। तो जैसे ही आप कृष्ण की शरण लेते हैं तो फिर क्या होता है, माया का अंधकार दूर हो जाता है। तो एक प्यार इस प्रकार की है, कृष्ण सूर्यसम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया अधिकार, है ना। तो जैसे ही हम कृष्ण को याद करते हैं तो माया का अंधकार दूर हो जाता है, तो तुरंत ही दूर हो जाता है। कृष्ण सूर्य से माया है अंधकार, है तो ये प्यार है। और गीता में जो भगवान कहते हैं, मामे भी ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते, जो मेरी शरण में आते हैं तो इस माया से छूट जाते हैं, है ना। तो कभी माया को जो है ये समुद्र की तरह तुलना की जाती है कि समुद्र में जैसे आप गिरे हैं, तो एक तो अंधकार है, उस अंधकार में आप कितना कष्ट पाते हैं, तो अब माया की तुलना अंधकार से की जाती है, कभी माया की तुलना समुद्र से की जाती है, तो समुद्र में आप कितना कष्ट पाएंगे। समुद्र में तो खैर हमारा शरीर छूट जाएगा हम ज़्यादा, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि अगर आप मरते नहीं हैं, मान लो आप मरे नहीं, तो जीवात्मा मरता तो नहीं है, नष्ट नहीं होता, और समुद्र में है तो वो जो नीचे पानी के नीचे पानी के ऊपर जाता है लहरों के द्वारा ऊपर नीचे, कोई जगह उसको स्थाई मिलती नहीं, परमानेंट कोई जगह मिलती नहीं समुद्र में, तो कितनी असुविधा है। समुद्र में आपको जो है कोई भी एक स्थाई जगह मिलती नहीं है, और आपको हमेशा कभी इधर कभी भंवर के द्वारा नीचे जाएंगे तो बहुत नीचे कई किलोमीटर नीचे चले जाएंगे, ऐसी भंवर समुद्र में, और कभी जो है लहर इतनी ऊपर है कि जो है कई किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, है ना। तो उसमें लहर के में जो है आप स्वर्ग चले गए, एक लहरा इतनी ऊँचाई, और फिर नीचे नीचे जाते हैं तो नीचे 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 नरक में चले जाते हैं, तो आपका नियंत्रण ही नहीं है, तो समुद्र में, है ना।
और कृष्ण की शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं, तो ये समुद्र फिर क्या हो जाता है आपके लिए, तुरंत क्या होता है, गोष्पदायते, गाय के खुर से बने गड्ढे के समान, तो कुछ है ही नहीं फिर, तो समुद्र ही नहीं रहा, है ना। तो एक तो माया का अंधकार है, तो अपार अंधकार है, लेकिन सूर्य आपको जो है मिल जाए तो अंधकार बिल्कुल नहीं रहा है। और माया अगर जो है अपार समुद्र है, माया का समुद्र है, हाँ, और कृष्ण के चरण की आप शरण लेते हैं, तो समुद्र फिर नहीं रह जाता है, गाय के खुर से बने गड्ढे के समान हो जाता है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो है कहते हैं, गोविंद से जन भगवद गीता मायाध्यक्षेण प्रकृति सुहित सचराचरम, तो इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं। और फिर इसमें अंत में जो प्रभुपाद कहते हैं, जो इसमें है जन्मनाम अंते, श्लोक में क्या लिखा है, जो माता देवभूति कह रही हैं, जन्मनाम अंते, आप प्राप्त हुए हैं मुझे जन्मनाम अंते, यानी कई जन्मों के अंत में मुझे प्राप्त हुए हैं। देवभूति माता जो है अपने लिए कह रही हैं कि कई जन्मों के अंत में आप मुझे प्राप्त हुए हैं सचक्षुर, है ना। इसका मतलब है कि माया के अंधकार में बहुत कष्ट भोगा है देवभूति माता ने, तो हम लोगों ने भी ऐसे ही किया है। माता देवभूति कहते हैं, मैंने बहुत जन्मों तक माया के अंधकार में कष्ट भोगा है, मतलब कितने कितने गड्ढे में जो है मैं गिरी और है चोटें खाई और कष्ट पाए, और कई जन्मों के अंत में अब आप मुझे मिले हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हमारी भी स्थिति, हम भी अपने स्थिति को समझें कि माता देवभूति से क्या हम पीछे हैं, माता देवभूति कि हम पीछे हैं, कई जन्मों के अंत में हमें भी प्राप्त हुए हैं, है ना, कई जन्मों के अंत में हमें प्राप्त हुए हैं प्रभुपाद प्राप्त हुए हैं, है ना। ये जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान है, श्रीमद् भागवत की कक्षा इसे प्राप्त हुई है, है ना, हरि नाम ये प्राप्त हुआ है, है ना, तो कई जन्मों के अंत में प्राप्त हुआ है। तो ये कह रही हैं माता, हाँ, जन्मनाम अंते, तो प्रभुपाद इस संबंध में कौन सा श्लोक उद्धृत करते हैं, जन्मनाम अंते, जो माता देवभूति कह रही हैं, तो गीता का भी कोई श्लोक है जन्मनाम अंते, हाँ जी, सातवां अध्याय श्लोक संख्या 19वां श्लोक, हाँ क्या है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभा। तो बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान, जो ज्ञानवान हो जाए तो मेरे शरण में आता है, तो बहुत जन्मों के अंत में माता देवभूति जो है अब कपिल देव की शरण ले रहे हैं। तो जो बात है गीता में भगवान ने कही वो श्रीमद् भागवत, वो प्रैक्टिकल है, गीता में भगवान ने सिद्धांत बात कही है और श्रीमद् भागवत उसका ही क्या प्रैक्टिकल है। बहुत जन्मों के अंत में किसी को जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मैं अंधा हूँ, मैं अंधकार में हूँ, मैं मूर्ख हूँ। तो बहुत जन्मों के अंत में किसी को ज्ञान प्राप्त होता है क्या कि मैं महामूर्ख हूँ। आप समझ रहे हैं, बहुत जन्मों के अंत में आपको जो समझ में आया कि आप महामूर्ख हैं, आप महामूर्ख हैं, ये ज्ञान आपको जो है बहुत जन्मों के अंत में प्राप्त हुआ है, और अब जो है अब आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा, सद ज्ञान, अब विज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञानम विज्ञानम से, तो ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप महामूर्ख हैं बहुत जन्मों के अंत में, और नहीं तो कितने जन्म बीत गए, हमेशा आपने को समझते थे कि हाँ मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ, उसी में ही आप गिरते रहे, गड्ढे में गिरते रहे और मरते रहे, सड़ते रहे, उस अज्ञान में, अज्ञान में आप सोचते हैं कि मैं जानता हूँ, और जब आपको ज्ञान होता है तो आप सोचते हैं मैं महामूर्ख हूँ, मैं बिल्कुल अंधा हूँ। तो जब आपको सही नेत्र प्राप्त होते हैं तो आप समझते हैं कि आप अंधे हैं, माता देवभूति को सही नेत्र प्राप्त हुए तब वो समझे कि वो अंधे हैं, है ना, और अब जो है वो नेत्र का सहारा लेंगे, कौन से नेत्र का सहारा लेंगे, कपिल भगवान, कपिल भगवान का नेत्र, है ना, तो माता देवभूति के पुत्र हैं कपिल भगवान, है ना,
माता देवहूति के पुत्र हैं कपिल भगवान, तो पुत्र भी जो है अपने शरीर का एक हिस्सा माना जाता है, पुत्र शरीर का हिस्सा है। तो कह रहे हैं कि वो नेत्र मुझे अब तुम्हें प्राप्त हुए हो। नेत्र जो है शरीर का हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, कपिल भगवान छोटे से बालक और माता देवहूति जो है के सामने बैठे हैं। ये छोटा सा नेत्र होता है आपके शरीर में, लेकिन वो कितना काम करता है पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए, छोटा सा नेत्र है ना। तो कपिल माता देवहूति कपिल भगवान को अपना नेत्र मानते हैं कि तुम जो है मुझे नेत्र के रूप में प्राप्त हुए हो, लेकिन बहुत जन्मों के अंत में प्राप्त हुए हो। और कैसे प्राप्त हुए हो? अपनी ही कृपा से प्राप्त हुए हो, तुम मुझे प्राप्त हुए अपनी ही कृपा से प्राप्त। तो ये ज्ञान है, लेकिन जब तक आप अज्ञान में रहते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे ये प्राप्त हुआ है तो मेरे गुण से ही प्राप्त हुआ है, मेरी योग्यता से प्राप्त हुआ है ना, मैं इतना सुंदर हूँ मेरी योग्यता है कि ये मेरी ही योग्यता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं शिक्षित हूँ ये मेरी ही योग्यता है कि मैं इतना शिक्षित हूँ, हर चीज़ में अपनी योग्यता समझते हैं, है ना, अज्ञान। लेकिन अब माता देवहूति नहीं सोचती कि ये मेरी योग्यता है कि तुम मुझे मेरे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हो, नहीं, मेरी क्या योग्यता है, मेरी योग्यता नहीं थी कि आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होते। क्योंकि तो भगवान अगर किसी को अपना माता बनाए हैं तो अपनी कृपा से ही किसी को माता बनाते हैं, अपनी कृपा से ही माता बनाते हैं। हालांकि वो योग्यता होती है, भगवान देखते हैं योग्यता है, लेकिन जो माता है वो थोड़ी जानती है कि भगवान मुझे प्राप्त होंगे, तो भगवान की कृपा ही मानती। तो भगवान जो है अपनी कृपा से किसी को अगर प्राप्त होते हैं, पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं तो वो जो माता है वो यही सोचेगी कि मुझे आप अपनी कृपा से प्राप्त हुए, मेरी कोई योग्यता नहीं है, है ना, मेरी कोई योग्यता नहीं है। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई तपस्या की, बहुत वो किया है, कुछ पुण्य किया कि भगवान उनके पुत्र बने, तो भी वो भी भगवान की कृपा से ही हो पाया है कि वो तपस्या कर पाएंगे, ठीक है नहीं, कि भगवान जो है उनको, भगवान उनको जो है उनके पुत्र बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान ही तपस्या कराई, इतनी शक्ति दी कि वो तपस्या करें। देवहूति माता देवी की माता है ना, तो पिछले जन्म में तपस्या की थी माता देवकी ने, तो कैसे इतनी तपस्या कर पाएं, हम तो नहीं कर सकते, कैसे तपस्या कर पाएं, कि भगवान उनको अपनी माता बनाना चाहते थे तो तपस्या करने की वो शक्ति भी उनको मिली, तो अपनी कोई शक्ति है ही नहीं, अपनी कोई योग्यता है ही नहीं, है ना, इसलिए क्या कहा, तत् अनुग्रहात, आप अपनी कृपा से ही मुझे नेत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, है ना, ठीक है। तो इस विषय में और किसी को कोई चर्चा करनी है, कोई प्रश्न है किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो, हरे कृष्णा।